कि एस लगाया तो ये प्लूरल बन गया। इसी तरह आपने बाकी सारे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 13, कलर एंड काउंट द गिवन ऑब्जेक्ट एंड राइट इन फिगर्स। यहाँ पे आप देखें सम पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है, उनपे उनमें कुछ उनपे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, जैसे कि हाउ मैनी बर्ड्स डू यू सी, यहाँ पे आप कितने बर्ड्स को देख रहे हैं, ठीक है। आपने जितने बर्ड्स को देखा है उसके आगे लाइंस पे उनका आंसर राइट करना है। इसी तरह आपने सेकेंड पिक्चर को देख के उसका आंसर राइट करना है। नेक्स्ट टू कॉलम्स हैं, इनको भी आपने उसी तरह फिल करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 14, रीअरेंज द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ वर्ड। यहाँ पे आप देखें 6 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, उसमें 6 इमेजेस हैं और उसके नीचे 6 ही वर्ड्स लिखे गए हैं जो कि अनस्क्रैम्बल्ड है। आपने उनको रीअरेंज करना है, वो अरेंज नहीं है। जैसे कि फर्स्ट देखें, इसके स्पेलिंग लिखे गए हैं ALLB, यहाँ बॉल की इमेज बना गया बना हुआ है, इसका मतलब ये बॉल है, तो आपने इसको रीअरेंज करना है तो ये बनेगा बॉल। इसी तरह आपने बाकी सारे वर्ड्स को रीअरेंज करके उनको ठीक तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग वाउल्स। वाउल्स किसे कहते हैं, A, E, I, O एंड U को, ठीक है। यहाँ पे आप देखें सम इमेजेस हैं, उनके सामने उनके नेम्स हैं जो कि मिसिंग लेटर के साथ लिखे गए हैं, ठीक है। उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, आपने उनको वाउल्स के साथ फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला देखें, ये केक बना हुआ है, ठीक है, इसके यहाँ पे स्पेलिंग राइट थे K C-K-, आपने इनको वाउल्स के साथ फिल करना है, ये बनेगा CAKE, केक। इसी तरह आपने बाकी सब लेटर्स को फिल करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 16, यहाँ पे दिया गया है ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन। यहाँ पे सम प्रपोजिशन दी गई हैं, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड। इन कहते हैं जब इन हम यूज़ करते हैं वहाँ जहाँ पे कोई चीज़ अंदर पड़ी हो, किसी चीज़ के अंदर। ऑन जब कोई चीज़ किसी के ऊपर पड़ी हो तब उसके साथ यूज़ किया जाता है, अंडर जब किसी के नीचे पड़ा हुआ हो तब यूज़ किया जाता है, बिहाइंड जब कोई चीज़ किसी के पीछे पड़ी हो तब यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, किसी के सामने कोई चीज़ पड़ी हुई हो इन फ्रंट ऑफ, वहाँ यूज़ किया जाता है। बिसाइड जब कोई चीज़ किसी के साइड पे पड़ी हुई हो तो वहाँ यूज़ किया जाता है। जैसा कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, द लैम्प इज़ डैश द सोफ़ा। यहाँ पे आप पिक्चर में देखें लैम्प कहाँ पड़ा हुआ है, लैम्प जो है वो सोफ़े के साइड पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द लैम्प इज़ बिसाइड द सोफ़ा। इसी तरह आपने बाकी सब फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ना है, उनको ऑब्जर्व करना है कि वो कहाँ पे हैं और उनको फिल करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 7, पेस्ट द पिक्चर ऑफ समर फ्रूट एंड नेम देम। अच्छा, गर्मियों में हम कौन कौन से फ्रूट खाते हैं, आप सबको पता है, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, मैंगो, मेलन एंड स्ट्रॉबेरी। आपने इन सब के इमेजेस को यहाँ पे पेस्ट करना है या ड्रॉ करना है, उसमें कलर्स करने हैं, ठीक है, और उनके नेम्स राइट करने हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 18, विजिट अ ज़ू विद योर फैमिली एंड एनलिस्ट द एनिमल यू हैव सीन देयर। आपने अपनी फैमिली के साथ किसी भी ज़ू में जाना है, ठीक है, वहाँ पे आप देखें डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, आपने वहाँ पे जो भी एनिमल्स देखेंगे उनके यहाँ पे नेम्स राइट करने हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 19, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आप देखें कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है, उनके नीचे उनके सेंटेंसेस हैं, उनमें से एक सेंटेंस राइट है एंड एक रॉन्ग है। आपने देखना है कि कौन सा सेंटेंस राइट है, जो राइट होगा उसको टिक करना है। जैसे कि ये देखिए बॉल है, ठीक है, लिखा गया है कि द बॉल इज राउंड एंड द बॉल इज ओवल। आप सब जानते हैं कि जो द बॉल है वो एक सर्कल शेप में होती है, द राउंड शेप में होती है, ठीक है, तो हम राउंड इसको फर्स्ट वाला सेंटेंस है द बॉल इज राउंड उसको टिक करेंगे। इसी तरह आपने बाकी सब इमेजेस को देखना है, पिक्चर्स को देखना है और उसके करेक्ट सेंटेंस को टिक करना है।